दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल से वीडियो एडिटिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपके मोबाइल पर प्ले स्टोर के अंदर बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनका यूज़ करके आप मोबाइल से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कौन से सॉफ्टवेयर्स, वो कौन से एप्लीकेशंस हैं जिनका यूज़ करके आप अपने मोबाइल से बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो गाइस, शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को पूरा देखिए। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बराबर में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उस पर भी आपको क्लिक कर देना है, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपके प्ले स्टोर के अंदर जो एक एप्लीकेशन मौजूद है उसका नाम है फिल्मोरा गो। फिल्मोरा गो अगर आप पीसी पर यूज़ करते हैं तो एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। इससे आप बहुत ही अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। बट अगर आप इसको अपने फ़ोन के अंदर, अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर यूज़ करते हैं तो अगर आप नए यूज़र हैं तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इसके अंदर आ सकती है, क्योंकि इसको ऑपरेट करना इजी नहीं है। इसको ऑपरेट करने में मुझे भी बहुत परेशानी आती है। इसको मैं इसके लिए ऑपरेट करता ही नहीं हूँ। मैं दूसरे एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ जो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। इसके अंदर एक खास बात दोस्तों यह है, इसका जो पीसी पर जो सॉफ्टवेयर मौजूद है वो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, पर जो आप अपने मोबाइल पर यूज़ करेंगे उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आप नए यूज़र हैं, आपको समझने में उसमें मुश्किल होगी, वो इजी टू यूज़ नहीं मुझे लगता है। बस इस एप्लीकेशन की एक खास बात यह है कि इसमें बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। दूसरी बात, इसमें अगर आप वीडियो सेव लास्ट में अपनी जाकर करेंगे तो इसमें आपको वाटरमार्क नहीं आएगा। अब आप सोच रहे होंगे वाटरमार्क क्या होता है। दोस्तों, अगर आप कहीं से कोई जींस खरीदते हैं तो जींस के ऊपर उस कंपनी का ब्रांड का टैग लगा होता है ना, लोगो लगा होता है, तो उसको हम वाटरमार्क बोलते हैं। जब आप अपने वीडियो को किसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, एडिट करते हैं, उसके बाद सेव करते हैं तो बहुत से जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो अपना जो उसका लोगो होता है, ट्रेड होता है, ट्रेडमार्क होता है, वो एप्लीकेशन वीडियो के ऊपर की जब आप वीडियो प्ले करेंगे तो आता है। तो इसलिए ये जो आप फिल्मोरा गो है इसमें वो वाटरमार्क नहीं आता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी एप्लीकेशंस की। तो दूसरी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पर मौजूद है जिससे भी आप वीडियो एडिट कर सकते हैं उसका नाम है पावर स्टूडियो। पावर स्टूडियो भी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, सेम वैसी ही है जैसे ये फिल्मोरा गो है, बट सेम चीज़ वही है। लास्ट में आप जब वीडियो सेव कर लेंगे, एडिट करने के बाद सेव कर चुके होंगे तो उसमें वाटरमार्क आ जाएगा, उसका लोगो लगा होगा। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसके ऊपर काइन मास्टर का लोगो लगा है ना, ऐसी उसका भी वाटरमार्क आएगा, वो भी लगा होगा, वो भी इजी टू यूज़ आपको नहीं लगेगी। धीरे धीरे जब आप करते रहेंगे यूज़ तो हो जाएंगे, बट फिलहाल आपको वो इजी टू यूज़ नहीं होगी, तो थोड़ा उसे अवॉइड कीजिए अगर आप नए यूज़र हैं तो। अब बात कर लेते हैं काइन मास्टर की। तीसरी एप्लीकेशन जो हमारी है वो है काइन मास्टर। काइन मास्टर जो एप्लीकेशन है बहुत ही इजी टू यूज़ है, मैं उसको यूज़ करता हूँ। अगर आप नए यूज़र हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप बिल्कुल एकदम इजीली से उसे यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा कहना यह है आप काइन मास्टर यूज़ कीजिए। हाँ, उसमें वाटरमार्क ज़रूर आएगा, बट एप्लीकेशन आप बिल्कुल अच्छे से उसको यूज़ कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं, वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और वीडियो के बढ़ा देंगे तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। इसमें मैं आपको डेमो देने वाला हूँ कैसे आप काइन मास्टर एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छी वीडियो अपनी बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, कहीं जाना नहीं है, वीडियो पूरी देखनी है और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाकर आपको सिंपली टाइप कर देना है काइन मास्टर। जी हाँ, KINEMASTER काइन मास्टर। काइन मास्टर डाल के आपको सर्च कर लेना है। सर्च करते ही आपके सामने काइन मास्टर की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। मेरे सामने अनइंस्टॉल और ओपन के दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्योंकि मैंने ये पहले ही इंस्टॉल की हुई है। आपके सामने सिंपली इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करा लेनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे यहाँ पहले से इंस्टॉल है, तो मैं जस्ट ओपन पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं एप्लीकेशन ओपन हो रही है। सिंपली हमारी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। कुछ ओपन होते ही सरफेस एप्लीकेशन का इस तरीके का आएगा जैसा आपके सामने है। आपको ये प्लस का आइकन जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है, MPD प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने विन सरफेस खुल चुका है एप्लीकेशन का। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जो आपकी वीडियो ऐड करनी है, जिसकी एडिटिंग करनी है, सामने आपसे मीडिया ब्राउजर का ऑप्शन जो आ रहा है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको वो वीडियो चूज़ कर लेनी है जिस वीडियो को आप एडिट करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक वीडियो उठा लेता हूँ, ये वाली जो मेरा इंट्रो भी है वो वीडियो मैं उठा लेता हूँ। इस वीडियो को मैं एडिट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए,
वीडियो प्ले हो रही है। चलिए इस वीडियो को एडिट करते हैं। सबसे पहले अगर आप इसमें कोई इमेज डालना चाहते हैं वीडियो के ऊपर कि आपका कोई इमेज आए, तो सिंपली आपको इमेज के ऑप्शन पर जाना है, लेयर के अंदर इमेज का ऑप्शन है उस पर जाना है, और यहाँ से आप कोई भी इमेज उठा लेंगे। जैसे मैं अपना ही इमेज उठा लेता हूँ, ये मैंने अपना इमेज उठा लिया है, ये इसकी सेटिंग कर दी है और इसको ओके कर दिया। ये देखिए वीडियो भी चल रही है, उसके ऊपर मेरा इमेज भी आपको दिख रहा है। इमेज को आप कितना ही बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये देखिए कहीं भी साइड में रोटेट कर सकते हैं, कहीं भी लेकर जा सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। दूसरी बात एक और है कि आप जो इमेज का ड्यूरेशन है वो भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से ये देखिए इसको बढ़ा लीजिए या कम कर लीजिए, बढ़ा लेंगे तो ये बढ़ जाता है। अब आप देखिए इमेज का ड्यूरेशन बढ़ चुका है, तो इस तरीके से आप अपना इमेज भी लगा सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। अगर आप इसके अंदर कोई टेक्स्ट डालना चाहते हैं कि मैं कोई टेक्स्ट डालूं जो मेरी वीडियो के ऊपर चले, तो लेयर पे जाना है आपको, यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन टी दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम, कुछ नया, कुछ हटके, ये मैंने अपने चैनल का नाम टाइप कर दिया है। ये देखिए इसको आप बड़ा कर सकते हैं। आपको कलर चेंज करना हो तो यहाँ पे ये जो आपको कैंची दिखाई दे रही है इसके बराबर में आइकन है वाइट कलर का, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे जो कोई भी कलर जो आप चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मैं ये रेड ले लेता हूँ। ये देखिए अब ये टेक्स्ट जो हमने लिखा था वो रेड कलर का हो चुका है। ये डबल ए का जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है, अब इस पर क्लिक करके फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये इतने सारे फ़ॉन्ट आपके सामने आ रहे हैं, मैं आपको एक फ़ॉन्ट लेकर दिखाता हूँ। ये वाला फ़ॉन्ट हम ले लेते हैं रोबोट वाला, और चेक के आइकन पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए फ़ॉन्ट अब चेंज हो चुका है, इसको और बड़ा कर लेते हैं। अब इसको चलाते हैं, ये देखिए, ये देखिएगा दोस्तों। एक और ख़ास बात यह है कि आप फ़ॉन्ट को भी अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। तो ये हम फ़ॉन्ट को नीचे खिसका लेते हैं, और फ़ॉन्ट का ड्यूरेशन भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ इस येलो बार को खिसका के, है ना, ऐसे ही आप भी कर सकते हैं ये करके, तो इसका जो ड्यूरेशन है वो कम ज़्यादा हो जाता है। ये देखिए अब ये वीडियो हमारी चल रही है। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप इसके अंदर कोई, जैसे आपने देखा हो ना लोग तीर के निशान लगा देते हैं, जिसको जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हैंड राइटिंग का ऑप्शन है, लेयर के अंदर जाएंगे, हैंड राइटिंग का ऑप्शन आएगा, ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका आ गया, ये जो एरो सा दिखाई दे रहा है आपको, एरो पर क्लिक कीजिए, यहाँ से कोई सा भी आप चूज़ कर लीजिए। अब ये देखिए है ना, ये एरो का निशान लग गया है, तो आप कोई सा भी यहाँ से चूज़ करते हैं, और इसको भी आप ड्यूरेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। मैं दोबारा प्ले करता हूँ, ये देखिए, तो इस तरीके से आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन इसमें एक और है, आप चाहें तो अगर इसमें आपको म्यूज़िक डालना चाहते हैं तो ऑडियो का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, आप ऑडियो पर जाते हैं। अगर आपको आपकी लाइब्रेरी में कुछ म्यूज़िक आपका है, कुछ सॉन्ग्स वगैरह हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शन आ रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिए, और ये प्लस का जो आइकन आपको दिख रहा है, साइन आपको दिख रहा है, इस पर आपको टच कर देना है, इसको सिलेक्ट कर लेना तो ये हो जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं यूट्यूबर हैं आप और अपने यूट्यूब चैनल पर आपको कोई वीडियो पोस्ट करनी है, तो आप इन चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते अपनी लाइब्रेरी से, क्योंकि ये चीज़ें कॉपीराइट में होती हैं, तो आप पे कॉपीराइट का वो आ जाता है, स्ट्राइक आ जाती है, तो इनका यूज़ मत कीजिए। आप सीधे म्यूज़िक असिस्ट आपको दिखाई दे रहा है, म्यूज़िक असिस्ट आप जाते हैं, फ़ोटो यहाँ से आप इनका एक वो खुल जाता है ऑप्शन, मैंने पहले से चूज़ करके रखा है फ़ोटो एल्बम, मैं ये वाली इनकी ले लेता हूँ, इस पर कॉपीराइट का नहीं आता क्योंकि ये फ्री टू यूज़ आपको काइन मास्टर देता है। तो प्लस पे हम क्लिक कर देंगे, यहाँ से आप सुन भी सकते हैं इसकी कैसे ही वो आ जाती है, और इसको ओके कर देते हैं। तो अभी मैं आपको सुनवाता हूँ किस तरीके का होगा। कुछ इस तरीके का इसका म्यूज़िक होगा, आप चाहें तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, इस पे आपने म्यूज़िक पे वापस फ़ोटो एल्बम जिस पे लिखा हुआ है नीचे, इस पे क्लिक कर देते हैं, और इसकी जो साउंड है, आप ये दिख रहा है आपको माइक से बना हुआ रहा है, इस पे क्लिक कीजिए,
और ये आप साउंड ज़्यादा कम और ज़्यादा कितनी भी कर सकते हैं। आपको चाहे कि म्यूज़िक बहुत ज़्यादा और इसकी साउंड बहुत ज़्यादा और कम करूँ तो आप कम कर सकते हैं, अदरवाइज ये 100 पर रहती है। आप चाहें तो 100 से ज़्यादा करना चाहते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा ले जाइए, ऊपर कम चाहिए तो कम पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 47% पर लेकर छोड़ देते हैं, ओके कर देते हैं विंडो और इसको अपने प्ले कर देते हैं वीडियो को, तो ये आपके सामने प्ले हो रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, आप अपनी आप मल्टीपल वीडियो जो इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं ना, तो अगर आप इस वीडियो के आगे कोई वीडियो लगाना चाहते हैं तो मीडिया इस पे जाइए वापस, यहाँ पर आप वीडियो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास दोबारा जाते हैं ये वाली वीडियो में उठा लेता हूँ, तो ये देखिए अब मैंने दो वीडियो एक साथ ऐड कर ली हैं, ये वीडियो यहाँ से शुरू हो जाएगी, ये मेरी वीडियो शुरू हो रही है आप देख रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि मैं वीडियो के बाद में वीडियो लगाऊं, तो आप यहां से दोबारा फिर इसको आगे कर देंगे, ये देख रहे हैं इसको आगे कर लीजिए, ये यहां पे वीडियो हमारी ख़त्म हो रही है ना, और इसके बाद हम दूसरी वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो वापस मीडिया ब्राउज़र में जाके हम अपनी वीडियो कोई भी वीडियो ऐड कर सकते हैं। देखिए वीडियो ऐड हो चुकी है, ये देखिए। तो दोस्तों इस तरीके से काइन मास्टर में आप इजीली करके अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, वैसे तो आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस प्ले स्टोर पर मिल जाती हैं, बट वो इजी टू यूज़ नहीं होती हैं। या फिर जैसे आप नए नए यूट्यूबर हैं ना, तो आपके लिए क्या होगा, आप काइन मास्टर को यूज़ कीजिए, बाकी आगे धीरे धीरे और एप्लीकेशंस को भी यूज़ करते रहिएगा। जब आप फ्रेंडली हो जाएंगे उन एप्लीकेशंस के, तो आप खुद ही उनको रन कर पाएंगे या यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आखिर में कमेंट भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।